आप सब लोग आई होप कि सारे अच्छे ही होंगे। मैं विपशा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इस दिवाली में अपने घर को सजाया है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिए थालियों में सजा रही हूँ ताकि सारे घर के कोने में ये दिए सजा सकूँ। और जो आप कलरिंग देख रहे हो ये भी मैंने किया हुआ है ताकि दिए थोड़े सुंदर लगे। उसके बाद मैंने ये रंगोली किया हुआ है जो कि 1 घंटे लगा, और ये मैं आफ्टर रंगोली कंप्लीट हुआ तो वो उसके बाद का वीडियो मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ मैंने सारे दिए भी सजा के रखे हुए हैं और ये एक व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद लाइट ऑन करके मैं भी दिखाऊंगी, ये लाइट ऑफ़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे लग रहा है। और ये यहाँ मैं लाइट ऑन करके ये के साथ रंगोली का वीडियो आपको दिखा रही हूँ, तो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हमारा घर है, हमने इसको सारे लाइट वगैरह में सजाया हुआ है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। घर का डेकोरेशन तो आपने देख ही लिया, अब बालकनी का देखते हैं। बालकनी में मैंने ये स्टार लाइट्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलो छत पे चलते हैं, तो यहाँ भी लाइट्स लगाए हुए हैं ताकि थोड़े सुंदर लगे। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ छत से सबके घरों का, आप देख सकते हो सबका घर कितना सुंदर लग रहा है। छत के ऊपर व्यू तो आपने देख ही लिया, चलिए नीचे चलते हैं और नीचे जाके थोड़े पटाखे फोड़ते हैं, चलिए नीचे। और यहाँ हमारा शुरू हो गया पटाखे फोड़ने, और यहाँ मैं कुछ क्रैकर्स चला रही हूँ, और यहाँ चक्री, हमारी ओडिया में इसे चक्री ही बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम इस पटाखे को कुंपी बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं। तो यही था मेरे इस वीडियो में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने सारे रिश्तेदार या फिर अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो इतना ही था मेरे इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।